नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको एक मैप के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे पास एक मैप आया है जो कि नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी है। इस मैप में वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या कमी है और इसे कैसे सही कर सकते हैं। देखिए, जो ये मैप है नॉर्थ फेसिंग है। इस मैप में जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट की ईशान कोने की है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हम मेन गेट से ही जब अंदर चलेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं और नॉर्थ फेसिंग है, तो इस मैप को अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा कि कहाँ क्या कमी है और कैसे क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसमें जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट की है, जो बिल्कुल सही है। मेन गेट से एंट्री करते ही पोर्च का भाग दिखाया गया, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इस पोर्च में जो स्टेयर्स दिखाई गई है, ये स्टेयर्स दिखाई गई है जो कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाती है। ये स्टेयर्स एज पर वास्तु बिल्कुल गलत है। नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स को सबसे ज़्यादा गलत माना जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स बिल्कुल भी ना बने। स्टेयर्स कहाँ बनेगी वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा। पहले ये देखेंगे कि इस मैप के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं। एक बेडरूम फ्रंट में दिखाया गया है और इसके आगे यानी नॉर्थ में ओपन एरिया भी दिखाया गया है। ये ओपन एरिया यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी के साथ वेस्ट में भी ओपन एरिया दिखाया गया है, जो कि नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट तक कंप्लीट ओपन एरिया है। साउथ में कंप्लीट पैक एरिया है और ईस्ट में भी कंप्लीट पैक एरिया है। यानी ईस्ट में जो बिल्डिंग बनी हुई है चार दीवारी के साथ बनी हुई है, और साउथ में भी जो बिल्डिंग बनी है वो भी चार दीवारी पे बिल्डिंग बनी हुई है। वेस्ट में भी ओपन एरिया है और नॉर्थ में भी ओपन एरिया है। ये एज पर वास्तु गलत है। कहाँ पर वेस्ट में ओपन एरिया होना गलत है? वेस्ट में ओपन एरिया तब रख सकते हैं जब आपके यहाँ ईस्ट में भी ओपन एरिया हो। ओपन एरिया कितना होना चाहिए? मान लीजिए वेस्ट में आपने 4 फीट का ओपन एरिया रखा है, तो ईस्ट में आपका 4 फीट प्लस ओपन एरिया होना ही चाहिए, यानी 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट का ओपन एरिया होना चाहिए। ये एक वास्तु दोष यहाँ पर बनता है, और ये वास्तु दोष मेजर वास्तु दोष बनता है। अब हम अंदर की बात करते हैं। एक रूम नॉर्थ वेस्ट में दिखाया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ अटैच टॉयलेट दिखाई गई है, जो कि वेस्ट में आती है। दूसरा रूम जो दिखाया गया है वो वेस्ट जोन में दिखाया गया है। वेस्ट प्लस साउथ वेस्ट में टॉयलेट दिखाई गई है, ये टॉयलेट भी ठीक है। साउथ वेस्ट में एक रूम दिखाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। किचन साउथ ईस्ट में है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। किचन के साथ डाइनिंग एरिया ईस्ट में दिखाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और डाइनिंग एरिया के साथ ड्राइंग एरिया दिखाया गया है, जो कि वो भी ईस्ट जोन में ही बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। घर की जो एंट्रेंस दिखाई गई है वो भी नॉर्थ ईस्ट की ओर से दिखाई गई है, ये भी एज पर वास्तु बिल्कुल सही है। अब इसमें कमी कहाँ है? जो हम स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं, एक तो वेस्ट में ओपन एरिया हो गया, ईस्ट में ओपन एरिया नहीं है। सेकंड, जो स्टेयर्स आपकी नॉर्थ ईस्ट में बनी है ये गलत है। अब इनको हम कैसे सही कर सकते हैं? जो आपने इस प्लॉट के अंदर 1, 2, 3 बेडरूम बनाए हैं, इसमें से हमें एक बेडरूम कम करना होगा, तब जाके आपके घर का वास्तु सही होगा। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, स्टेयर्स यहाँ से हटा के स्टेयर्स आप यहाँ पर वेस्ट जोन में भी स्टेयर्स बना सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने स्टेयर्स बनाएंगे तो ये स्टेयर्स आपकी एज पर वास्तु बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। यहाँ से ऐसे घूमते हुए ऊपर चले जाएंगे। इसमें खास बात ध्यान रखनी है कि घर का जो सेंटर बनता है, ब्रह्म स्थान बनता है, वहाँ से स्टेयर्स शुरू नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ बात करते हैं हम, स्टेयर्स आपको बाहर के भाग में बनानी है, फ्रंट के भाग में बनानी है, तो स्टेयर्स आप अपने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट जोन में, इस जोन में भी स्टेयर्स बना सकते हैं। यहाँ पर भी स्टेयर्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी हमें कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। या तो स्टेयर्स आप वेस्ट में बनाएंगे, जो सबसे अच्छी होती है, या स्टेयर्स फिर आप नॉर्थ वेस्ट में बनाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स किसी भी कीमत पर नहीं बनाएंगे। इसमें आपका एक रूम कम हो जाता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो रूम तो आपके 3 निकल जाएंगे, टॉयलेट आपकी 2 रह जाएंगी।
एज पर वास्तु इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। इसमें करेंगे क्या, नॉर्थ वेस्ट में आपकी स्टेयर्स आ जाएगी, स्टेयर्स के बाद आपका अपना कंप्लीट एक रूम आ जाएगा और इसी के साथ आपका अपना दूसरा रूम आएगा, जो आपकी ये दो टॉयलेट है एक कॉमन हो जाएगी और एक मास्टर बेडरूम के साथ अटैच हो जाएगी। किचन आपकी परफेक्ट है, किचन में कोई दिक्कत नहीं है, डाइनिंग एरिया भी ठीक है, ड्राइंग एरिया भी ठीक है आपका, पार्किंग भी ठीक है। किचन के अंदर जो सिंक दिखाया है, अंदर का सेटअप भी देख लीजिएगा, जो सिंक दिखाया है वो साउथ वॉल पर दिखाया है। सिंक आपका कहाँ आना चाहिए, किचन के नॉर्थ वॉल पर। कुकिंग एरिया आपका परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बेडरूम में बेड बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो अलमीरा दिखाई गई है वो रूम के ईस्ट वॉल पर दिखाई गई है, वो अलमीरा आपकी अपनी वेस्ट वॉल पर आनी चाहिए। ये रूम भी परफेक्ट है। इसमें जो अटैच टॉयलेट दिखाया गया है, ये टॉयलेट बिल्कुल सही है। जो कॉमन टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट में जो वॉश बेसिन है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगाया जाता है और मिरर जब हम साउथ वॉल पर लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं और देर सवेर चोट लगने के कारण भी बनते हैं। तो इसलिए मिरर को कभी भी साउथ वॉल पर नहीं लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बाथरूम का साइज इस तरीके से बनता है कि वॉश बेसिन हमारा साउथ वॉल पर आता है, तो ऐसे में कभी भी मिरर हमने साउथ वॉल पर नहीं लगाना है। कोशिश करो कि वॉश बेसिन आपका नॉर्थ वॉल पर या ईस्ट वॉल पर ही आए, तो एज पर वास्तु अच्छा होता है। इसके बाद जो दूसरे रूम दिखाए गए, ये रूम बिल्कुल सही है। इसमें भी जो अलमीरा दिखाई गई है वो अलमीरा नॉर्थ वॉल पर दिखाई गई है, ये अलमीरा आप साउथ वॉल पर या वेस्ट वॉल पर लाएंगे तो ये भी एज पर वास्तु सही हो जाएगा। अगर स्टेयर्स आप अंदर बनाते हैं और बाहर वाला रूम बनाते हैं तो इसमें जो ये अलमीरा नॉर्थ वेस्ट में दिखाई गई है, ये अलमीरा आपकी साउथ वॉल पर आ जाएगी या वेस्ट वॉल पर आएगी। बेड साउथ वॉल पर आ जाएगा तो अलमीरा आपकी वेस्ट वॉल पर आएगी, और बेड वेस्ट वॉल पर रखते हैं तो अलमीरा आपकी साउथ वॉल पर आएगी। वॉशरूम में शीट आपकी बिल्कुल सही है, शावर एरिया आप नॉर्थ वॉल पर लेके आए, इसका डोर बदल देते हैं, यहाँ से डोर कर लेते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका वॉश बेसिन आ जाएगा, यहाँ आपकी अपनी शीट आ जाएगी और ये शावर एरिया हो जाएगा, तो ये बाथरूम आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसमें आप साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक इस हिस्से को ओपन जरूर करें, खुला जरूर करें। ऐसा करने से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वेस्ट में ओपन एरिया रख रहे हैं तो ईस्ट में भी ओपन एरिया होना चाहिए। अब बात करते हैं हम स्टेयर्स की। यदि स्टेयर्स आप वेस्ट में बनाते हैं तो यहाँ पर जो मोमटी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टेयर्स नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं, वायव्य कोने में बनाते हैं, तो आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर कवर करना पड़ेगा। ऐसा करने से जो नॉर्थ वेस्ट में स्टेयर्स बन रही है, जो मोमटी बन रही है छत के ऊपर जाने के बाद, तो स्टेयर्स का जो हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट का ऊंचा हो जाता है, तो उसको लेवल करने के लिए, उसका वास्तु सही करने के लिए हमें साउथ वेस्ट में एक रूम बनाना पड़ेगा, और रूम की हाइट आपकी मोमटी की हाइट से ऊँची होनी चाहिए, और यहीं पर आपका पानी का ओवरहेड टैंक होना चाहिए। इससे भी अच्छा काम एक और हो सकता है, जब आप मोमटी यहाँ बनाते हैं तो जितनी आपकी मोमटी है इतना हिस्सा आप ये कंप्लीट कवर कर देते हैं, तो आपका वेस्ट का हिस्सा कंप्लीट कवर हो जाता है, फिर आपकी स्टेयर्स का कोई भी दोष नहीं लगता, क्योंकि छत का लेवल कंप्लीट इक्वल हो जाता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर छत की ढलान हो जाती है, स्लोप हो जाता है। तो ऐसा होने पर आपका ये नक्शा एज पर वास्तु बिल्कुल सही होगा, आप इसके अंदर अपना घर बना सकते हैं। आप भी अपना कोई नया घर बनाने जा रहे हैं, आपने कोई मैप बनवाया हुआ है तो आप हमें अपना मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट पर इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट पर भी इनवाइट कर सकते हैं। और आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो भी आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 500 वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं।
आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन इसलिए दबानी है ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जब भी मैं अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।